नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमलप्रीत फ्रॉम आयुर्वेद चिकित्सा सेंटर मोहाली। आज मैं आपको बताना चाहती हूं अभ्यंगम के बारे में, जिसको बॉडी मसाज भी कहा जाता है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी थेरेपीज बताई गई हैं जो आपकी हेल्थ को मेंटेन करती हैं और साथ ही साथ आपको बहुत सारे रोगों से बचाती भी है, और अगर कोई बीमारी है तो उसको ठीक भी करती हैं। उनमें से एक का वर्णन एंशियंट टेक्स्ट में मिलता है, जिसको अभ्यंगम कहा गया है, जिसको आजकल की लैंग्वेज में बॉडी मसाज कह देते हैं। बॉडी मसाज के बहुत सारे फायदे होते हैं। ये आपकी बॉडी को हेल्थी रखती है, आपकी बॉडी की फिगर को मेंटेन रखती है, स्किन को हेल्दी रखती है, आपके टिश्यूज को डिटॉक्सिफाई करती है, आपकी स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जॉइंट्स को हेल्दी रखती है, उनको मेंटेन करके रखती है, और आपको फिजिकली और मेंटली हेल्दी रखती है, आपकी फैटिगनेस को दूर करती है और बॉडी की स्टिफनेस को दूर करती है। आयुर्वेद में इसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से देखा जाता है। इसको सिर्फ ऐसे नहीं माना जाता कि आप बॉडी के ऊपर सिर्फ ऑयल लगा के मसाज कर रहे हैं। आयुर्वेद के अंदर पर्टिकुलर ऑयल आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग चूज किया जाता है, जिसको स्पेसिफिक डायरेक्शन में मसाज की जाती है अकॉर्डिंग टू आपकी डिजीज, जो कि आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग और आपकी डिजीज के अकॉर्डिंग आपको फायदा पहुँचाता है। आयुर्वेद में इसकी जो मेन खासियत रहती है, ये रहती है कि जो ऑयल हम यूज़ करते हैं वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट की पर्टिकुलर प्रकृति, उसकी बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है, उसके अकॉर्डिंग चूज किया जाता है। और जो ऑयल हम यूज़ करते हैं वो डिजीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बीमारी है, उसके अकॉर्डिंग ही ऑयल यूज़ किया जाता है। जैसे अगर आपको जॉइंट्स में पेन रहती है तो महाविषगर्भ तेल या महानारायण ऑयल तेल यूज़ किया जाता है, या आपको अगर स्किन डिजीजेज है तो आपको महामरिचयादि तेल का यूज़ किया जाता है, अगर आपको सिर में हेयरफॉल ज़्यादा रहता है तो दधुरापत्रादि तेल यूज़ किया जाता है। इस तरह से हर बीमारी में अलग अलग तरीके का ऑयल यूज़ किया जाता है, जो कि अपने तरीके से उस बीमारी को ठीक करता है। क्योंकि जो ये ऑयल यूज़ होता है उसके अंदर मेडिसिन डाली जाती हैं, ये एक प्रोसेस्ड ऑयल होता है, तो ये एक तरीका भी माना जाता है आयुर्वेद के अंदर आपकी बॉडी के अंदर मेडिसिन को पहुंचाने का। मेडिसिन को आपकी बॉडी पे रब किया जाता है इन दी फॉर्म ऑफ ऑयल, जो कि धीरे धीरे आपकी स्किन के अंदर से होते हुए आपके टिश्यूज तक एब्जॉर्ब होता है, जो कि धीरे धीरे आपकी बीमारी को ठीक करता है। अब साथ ही अभ्यंगम के साथ आयुर्वेद में इसमें स्टीमिंग भी की जाती है। स्टीमिंग का ये फायदा होता है कि बॉडी के जो पोर्स होते हैं आपकी स्किन के, वो खुल जाते हैं, और जितने टॉक्सिंस आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो रखे होते हैं वो ऑयल के साथ बाहर निकलते हुए, स्वेट की फॉर्म में बाहर निकलते हुए आपकी बॉडी को पूरी तरह से प्यूरीफाई कर देते हैं और आपकी डिजीज को क्योर कर देते हैं। इस तरह से आयुर्वेद में अभ्यंगम को, बॉडी मसाज को, एक पूरी थेरेपी की फॉर्म में लिया गया है, जो कि आपकी नंबर ऑफ डिजीजेस को ठीक कर सकता है और आपकी हेल्थ को मेंटेन करके रख सकता है। इसलिए आपको रेगुलरली बॉडी मसाज, मतलब के अभ्यंगम लेते रहना चाहिए, ताकि आपकी हेल्थ भी मेंटेन रहे और आपको किसी भी तरह की बीमारी ना हो। आप बॉडी मसाज, अभ्यंगम थेरेपी करवाना चाहते हैं तो ये सर्विसेज हमारे सेंटर पे अवेलेबल हैं, या आप और भी किसी भी तरह की पंचकर्मा थेरेपी या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो आप हमें विजिट कर सकते हैं हमारे सेंटर पे, आयुर्वेद चिकित्सा सेंटर मोहाली, या आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर 9417432520 के ऊपर। थैंक यू सो मच।